वेलकम टू वैष्णवी क्लासेस डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैष्णवी क्लासेस। वैष्णवी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सिंथेसिस का। सिंथेसिस के बारे में हम पढ़ेंगे, जो इंटरमीडिएट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जैसे कि मैंने पहले प्रथम अपने कुछ वीडियो में मैंने सिंथेसिस के बारे में भी बताया है, और उसमें इसके पहले जो टॉपिक जो था वह सिंथेसिस, उसमें मैंने बता रखा है सिंथेसिस के डेफिनेशन के बारे में, सिंथेसिस कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में। उसमें हमने बताया था कि सिंथेसिस तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। आज उसी काइंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला उसमें था आपका सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को हम कैसे सिंथेसिस करके हम कैसे सिंपल सेंटेंस बना देते हैं, और सिंपल सेंटेंस में मैंने कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखा था। उस पॉइंट्स का पहला मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको, बाय यूजिंग इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का यूज़ करके आप कैसे सिंथेसिस करेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा सा इन्फिनिटिव पे हाईलाइट करना चाहूँगा। इन्फिनिटिव का हिंदी अर्थ होता है क्रियार्थक संज्ञा। इन्फिनिटिव का हिंदी अर्थ होता है क्रियार्थक संज्ञा। अगर हम बात करें सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस होता है उसका इन्फिनिटिव, उसमें इन्फिनिटिव का यूज़ करके हम कैसे सिंथेसिस करते हैं, सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। जैसा कि एक वर्ड है इन्फिनिटिव, इसको आप दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट्स मीन, इसका मतलब ये हुआ, इन्फिनिटिव दो तरीके का होता है। एक तो सिंपल इन्फिनिटिव, जिसका चिन्ह होता है ना नेनी आप कह सकते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वह नाउन प्लस वर्ब होगा। मैंने जैसा कि बताया, सिंपल इन्फिनिटिव जिसका चिन्ह या सिंबल आप बोल सकते हैं ना नेनी होता है, और या नाउन प्लस वर्ब से निर्माण होता है। और दूसरा जिरेंडियल इन्फिनिटिव, जिरेंडियल इन्फिनिटिव का जो चिन्ह होता है वह होता है के लिए होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर मतलब जो बनावट होता है वह होता है एडजेक्टिव प्लस वर्ब। तो आइए हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करके कैसे हम सिंपल सेंटेंस को क्रिएट करते हैं, और टॉपिक जैसा कि सिंथेसिस आप पढ़ रहे हो। जैसा कि एक सेंटेंस यहां पर लिखा है, ही वॉन्टेड टू कट एप्पल। उसने चाकू लिया। He wanted to cut apples. और वह सेब काटना चाहता था। तो जैसा कि ये सेंटेंस सेपरेट है, मतलब अलग अलग है, इसको हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। तो चलिए देखते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए कैसे सिंथेसिस करते हैं, हमें इसमें इन्फिनिटिव का यूज करना है। जैसे कि अगर हम उसको सिंथेसिस करते हैं, तो ही took a knife to cut apple। ये आपका सिंथेसिस हो गया। इसका मैं बता दूं, पहले वाला जो वर्ब है इसमें हम कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, और जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी वर्ड वर्ब हो उसके पहले हम टू लगा देते हैं तो इन्फिनेटिव बन जाता है। आप देख सकते हैं, इसको मैंने हटा दिया, ही वॉन्टेड को और टू कट को मैंने जोड़ दिया इन्फिनिटिव के साथ, ये आपका सिंथेसिस हो गया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, I will settle the matter। मैं वहां जाऊंगा और मामले को सुलझा दूंगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप इसे भी चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, I will go there to settle the matter। आई होप आप समझ रहे होंगे। आप देख सकते हैं दूसरे वाले सेंटेंस में जो मेन वर्ब है उसके पहले मैंने टू लगा दिया, और ऐसे सेंटेंस में जनरली मेन वर्ब जो होता है वह आपका क्या होता है, V1 में होता है, दूसरे सेंटेंस की बात मैं कर रहा हूँ, और उस वर्ब के बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म के पहले हम टू लगा देते हैं तो इन्फिनिटिव जैसा बन जाता है।
ये आपका बन गया। फिर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, तीसरा सेंटेंस आपके सामने है, आई हैव नो मनी, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, आई कैन नॉट पे यू नाउ, इसलिए मैं आपको भुगतान नहीं कर सकता अब। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे इसको हम कैसे सिंथेटिस करेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पर मेन वर्ब है, इसके पहले हम टू लगाएंगे, कैसे ऐड करते हैं देखिए, आई हैव नो मनी मनी टू पे यू नाउ। प्यारे बच्चों आप देख रहे होंगे किस प्रकार सिंथेटिस आप कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, रोहन वॉन्ट्स टू प्ले, रोहन खेलना चाहता है, ही हैज गॉन टू प्ले ग्राउंड। थोड़ा सा इस सेंटेंस में देखेंगे, इसका कुछ डिफरेंट तरीके से बनाएंगे इस सेंटेंस को। देखिए रोहन वॉन्ट्स टू प्ले, रोहन खेलना चाहता है, ही हैज गॉन टू प्ले ग्राउंड, और वह प्ले ग्राउंड जा चुका है। सेंटेंस अगर प्यारे बच्चों अगर सेंटेंस को अगर देखा जाए तो देखिए, रोहन खेलना चाहता है, वह प्ले ग्राउंड मतलब मैदान में, खेल के मैदान में जा चुका है। तो मैं बता दूं, वह खेल के मैदान में जा चुका है क्या करने के लिए, खेलने के लिए। ऐसे भाव देके हम यूज करेंगे इसको, जैसे कि इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ही हैज गॉन टू प्ले ग्राउंड टू प्ले। आई होप आप समझ रहे होंगे। ध्यान देंगे जैसा कि ये हम इन्फिनेटिव का यूज करके हम सिंथेटिस को कर रहे हैं, सिंपल सेंटेंस हम एक बना रहे हैं, दो सेपरेट सेंटेंसेस को हम कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन यहाँ पर कर रहे हैं, हम कंबाइन कर रहे हैं सब में, सब सेंटेंसेस को कंबाइन हम कर रहे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक रूल आपके सामने यहाँ पर मैं पेश किया हूं। जैसे यदि किसी सेंटेंस में अगर सो या अगर वेरी वर्ड आ जाए, कोई भी सेंटेंस हो, जैसे कि मान लीजिए यही सेंटेंस है, अगर इसमें मैं कहीं सो लिख देता या कहीं वेरी लिख देता, कोई सेंटेंस में अगर वेरी हो या सो हो, इतना समझे आप, तो ध्यान देंगे जब इसको हम सिंथेटिस करेंगे तो उसमें हम टू का प्रयोग करेंगे, TOO की बात यहाँ कर रहा हूं मैं। और ये टू एक टॉपिक आप पढ़ेंगे, एक टॉपिक होता है रिमूवेबल टू, जल्दी मैं उस चीज को लेके आऊंगा आपके सामने। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसको हम करते हैं, जैसा कि लिखा है, सी इज सो वीक सी कैन नॉट वॉक, वह इतना कमजोर है वह चल नहीं सकती। तो आप इसे कन्वर्ट करना चाहे, सो को हमें उड़ाना है यहां से, हटा देना है और टू का इस्तेमाल करना, तो आप लिख सकते हैं सी इज, इस टू के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, सॉरी सो के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, टू, सी इज टू वीक, सी इज टू वीक। अब चूंकि नेक्स्ट सेंटेंस में जो मेन वर्ब होता है उसके पहले हम टू लगाते हैं, और मेन वर्ब ध्यान रखेंगे वह मेन वर्ब आपका जनरली किसमें होगा, किसमें होगा, वी1 में होगा। जैसा कि अगर थोड़ा सा प्रीवियस की तरफ अगर हमें लेके चलूं, तो अगर हम इसमें अगर बात करें, इसमें तो ये देखिए, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद V3 है, इसलिए सेंटेंस को मैंने पहले इसको लिखा, और यहाँ आप देख रहे हैं टू प्ले ऑलरेडी ये इन्फिनेटिव में है, तो हमने यहाँ क्या किया, इसे जोड़ दिया। हर सेंटेंस में आप वैसे करके समझ सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, सी इज सो को मैंने बदल दिया टू में, सी इज टू वीक। अब टू इस सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है, वॉक, ये आपका हो गया, सी इज टू वीक टू वॉक। आगे एक सेंटेंस आप देख रहे होंगे, दिस पोयम वॉज वेरी डिफिकल्ट, यह कविता बहुत कठिन थी, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, और वह समझ ना पाया या समझ नहीं सका या वह समझ सकता नहीं था, वह नहीं समझ सकता था। आगे देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे।
द पोयम वॉज, अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड है टू वेरी, इसको हम बदल देंगे टू टू डिफिकल्ट, डिफिकल्ट फॉर, यहाँ पर एक वर्ड मैं जोड़ूंगा सेंस लाने के लिए, फॉर हिम टू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे कि दिस पोएम वॉज टू डिफिकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड। देखिए ये सेंटेंस आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे जैसे द पोएम वॉज वेरी डिफिकल्ट, कविता बहुत कठिन था, कठिन था, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, वह समझ नहीं सका। अब ध्यान देंगे, वह समझ नहीं पाया, वह नहीं समझ सकता था, अर्थात उसके लिए यह कविता क्या था, कठिन था। उस भाव में हम देखेंगे तो हम इसको हम कंबाइन ऐसे कर सकते हैं, द पोयम वॉज टू डिफिकल्ट फॉर हिम, कविता उसके लिए क्या थे, इतना मतलब बहुत ज्यादा क्या था, कठिन था, टू अंडरस्टैंड समझने के लिए। इसको हमने कंबाइन किया है, कंबाइन आप लिख देंगे तो बेहतर होगा। प्यारे बच्चों, आज एक आपके सामने एक छोटा सा वीडियो था जो सिंथेटिस चैप्टर से रिलेटेड था, और यह इंटरमीडिएट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जैसा कि हमने इसमें जाना इन्फिनिटिव के द्वारा, इन्फिनिटिव का यूज करके हम कैसे सिंथेटिस करते हैं, और आगे मैंने ये भी बताया कुछ इन्फिनिटिव पे भी मैंने चर्चा किया। इन्फिनिटिव का मतलब होता है क्रियार्थक संज्ञा, और यह दो प्रकार के होते हैं, दो वे में काम करते हैं। एक होता है आपका सिंपल इन्फिनिटिव, जिसका पहचान या कह सकते हैं पहचानने का जो व्यू होता है उसका क्या होता है, नानेमी, ठीक। और उसमें मैंने बताया था, और सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर उसमें होगा वह क्या होगा, नाउन प्लस वर्ब। और दूसरा मैंने बताया था अभी आपको जिरेंडियल इन्फिनिटिव, जिसका चिन्ह होता है के लिए, और यह बनता है एडजेक्टिव प्लस वर्ब से। और मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंस रखा था आपको, स्टेप वाइज ही मैं आपको समझा कर लेके चला हूँ, और मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को देखे होंगे, आपको पसंद आया होगा। और यदि आप बेहतर तरीके से इस वीडियो को अगर पसंद किए हैं तो हमारे चैनल वैष्णवी क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मेरे आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो होगा आपको समय से मिलता रहे। सो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, थैंक्स।